بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब लोग? खुश हैं? वो कितने राजी बाजी हैं? सब ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमारा साइकेट्री मॉड्यूल का सेकंड लेक्चर है और हम एंजाइटी पे आज बात करेंगे. ठीक, कि एंजाइटी होती क्या है, जिसको हम आम अजबान में कहते टेंशन हो गई है. सही, एंशियस हो गया, तशवीश हो गई है. तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला मैसेज है, ये डिप्रेशन से हट के है. ठीक, एंजाइटी नॉर्मल परेशानी होती है इंसानों को, ये नॉर्मल हमारा एक इमोशन है. ठीक, जब भी फर्ज करें कोई ऐसा, कोई घर पे कोई आने वाला है, लेट हो गया और फ़ोन बंद है, आप परेशान नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना. अचानक कोई कहते यार कहीं धमाका हो गया, आप परेशान हो जाते हैं. ठीक है, इम्तिहान सर पे, वो परेशान नहीं होते. अब MCPS आएगा ना, तो हो सकता है इसमें इंसान परेशान हो सकता है. कोई घर में बीमारी आती है, परेशानी हो सकती है. माली नुकसान हो सकता है, परेशानी. ठीक है, बहुत सी चीज़ें परेशानी हो सकती है. घबराहट, वरीज लगती है ना, नॉर्मल होता है. लेकिन बीमारी क्यों है? जब ये एंजाइटीज़ आपके फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है. ठीक है, आप फंक्शन नहीं कर सकते. आपको काम को मुतासर करती है, आपके फैमिली लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, तब ये पैथोलॉजिकल बनती है. ठीक, दूसरी भाई, अगर कोई लेट आया है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी ना, बराबर होती है. जितना स्ट्रेसर है उतना ही स्ट्रेस होगा, लॉजिकल. लेकिन स्ट्रेसर छोटा और स्ट्रेस ज़्यादा. ठीक, व्हेन द स्ट्रेस इज डिसप्रोपोर्शनली हायर देन द थ्रेट इन द प्रेजेंट, ये भी पैथोलॉजिकल की निशानी है. प्लस फर्ज करें आप घर पे कोई लेट आ रहा है, आप परेशान थे, वो आ गया, आपको सुकून मिल जाता है. लेकिन अगर वो आने के बाद भी परेशानियाँ चलती रहे, यानी स्ट्रेसेस के ख़त्म होने के बाद भी परेशानी चलती रहे, तो पैथोलॉजिकल है. ठीक है, और उससे आपकी फंक्शन, डे टू डे फंक्शंस में असर पड़ता हो. ये नहीं कि कल एक लेट आया था, वो तो कई महीनों तक आप काम ही नहीं कर पा रहे. ठीक, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंजाइटी एंड पैथोलॉजिकल में फ़र्क क्या था? नंबर वन, इन पैथोलॉजिकल योर फंक्शनिंग इज इम्पेयर्ड. इन मैग्नीट्यूड ऑफ एंजाइटी इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रेट एंड इट परसिस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द थ्रेट और द सिचुएशन. ठीक है, तो ये तीन चार निशानियां तो आप उसको पकड़ लेते हैं कि ये तो पैथोलॉजिकल है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा. अच्छा, अब एंजाइटी जो है ना, उसके दो तरह के फीचर्स होते हैं, बॉडी एंड माइंड, साइकोलॉजी एंड फिजिकल. ठीक, घबराहट में हाथ पांव नहीं कांपते कहते ना, तो वो फिजिकल है. घबराहट में आपको घबराहट ने तेज तेज बोलना शुरू करते हैं ना, घबरा जाते, वो साइकोलॉजिकल है. सो एंजाइटी के दो तरह के फीचर्स आएंगे, बॉडी में और माइंड में. दोनों को ज़रा देख लेते हैं. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं? बिकम इरिटेबल, चिड़चिड़े हो जाते हैं. टेंशन वाले बंदे को देखिए, चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बैठा नहीं जाता उसे, है ना. वरिंग थाट्स, यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बार बार ख्याल आते हैं. यार अब लाख समझाए ना पैथोलॉजिकल एंजाइटी को, उनको नहीं होता, रिलैक्स नहीं हो पाते. एंड सेंसिटिविटी टू नॉइस, स्ट्रेस वाले को ना एकदम वो हाइपर एक्टिव होते हैं, एकदम कोई बात एकदम चौंक जाते हैं ना, शोर मत करो, नॉइज़ अच्छा नहीं लगता उनको, है ना. अरे ये सर क्या सर खा रही हो, बस बंद करो अपनी बकवास. इस तरह मसलन मिसाल दे रहा हूँ. और स्ट्रेस में ना आप उसको कोई पढ़ें या कुछ करें, कंसनट्रेट नहीं कर सकते. हिसाब किताब कहते हैं छोड़ो, मुझसे नहीं हो रहा. स्ट्रेस में यू कैन नॉट कंसनट्रेट. ठीक, कंसंट्रेशन के लिए रिलैक्स माइंड चाहिए. साथ में यू कैन फील डिप्रेस, कुछ मसला ही हल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मतलब
यू कैन गेट ऑब्सेशंस। ऑब्सेशन जो है ना वो थॉट्स होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना उसे, ऑब्सेशंस होती, वहम होता है, ठीक है, वो वहम आता है उसमें। ठीक, मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ, ज़रा लाइट गई है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा हमारे उस पर, नहीं एक मिनट मुझे दें, मतलब स्पार्क्स हो रहे हैं। थोड़ी सी वो हमारी क्रोमा की लाइट के ज़रा स्पार्क्स हुए थे, कोई था नहीं, तो मैं ज़रा इसको ठीक करने चला गया। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये कह रहा था, ऑब्सेशंस, ऑब्सेशंस जो होती है ना वो थॉट्स आती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहम आते हैं, वो वहम। ठीक, फियर ऑफ डाइंग, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी या तबाह हो जाऊंगी। ठीक, डेथ, डिप्रेशन उल्टा है, डिप्रेशन में मौत की तरफ जाते हैं, ये मौत से डरते हैं एंजाइटी वाले। और फियरफुल एंटिसिपेशन, यानी हर चीज़ के बारे में ना पहले से ही टेंशन ले लेते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि कुछ हो जाएगा, अननोन साइन का फियर होता है, नींद ख़राब हो सकती है, इंसोमनिया, नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं। ठीक, तो ये साइकोलॉजिकली यू कैन इरिटेटेड, बेचैन, तरह तरह के वहम, तरह तरह की सोचें, हसास हो जाते हैं आप, तवज्जो नहीं कर सकते। ठीक है, मौत से डर लगता है, अनजानी चीज़ से डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। ठीक है, नींद ख़राब हो जाती है और नाइटमेयर्स, ख्वाब आने, डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में कैसे एंजाइटी मैनिफेस्ट कर सकती है, ट्रेमर्स तो सबसे मशहूर है ना, ट्रेमर्स हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लोग गिर भी सकते हैं। स्ट्रेस में सर में दर्द होता है, एनजाइटी में। ठीक है, आप स्टेज पे चढ़ने के एकदम परेशान हो जाए, मुँह खुश्क हो जाता है, पानी पीने को दिल करता है। ठीक है, ड्राई माउथ, हार्ट बीट डुप 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 डुप, पैल्पिटेशंस, हाथ पांव सुन हो जाते हैं, लिप्स, पैरेस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशंस आने शुरू हो जाती, पिंस एंड नीडल्स आने शुरू हो जाती हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन एंजाइटी के अंदर, परफॉर्मेंस, बहुत एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज एक्ट ऑफ प्लेजर और रिलैक्सेशन, स्ट्रेस में नहीं होता ज़्यादा। ठीक, डिसफेजिया, अक्सर नवाले फंस जाते हैं ठीक, डिसफेजिया इनको हो सकता है, फीलिंग होती है कि मुझे कुछ हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है। जैसे IBS होता है, इसी तरह के एंजाइटी में मोशन होता है। जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, पेट में कैसे दर्द होता है जब लेट हो जाए या पेपर हो। हाइपर वेंटिलेट, हार्ट बीट बढ़ती है तो रेस्पिरेशन भी बढ़ती है, यू हाइपर वेंटिलेट, यू फील सफोकेटेड, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। ठीक, तो इवन हाइपर वेंटिलेशन से ना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोटेडेमिया, टेटनी,